जय हिंद, सलाम, नमस्ते दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है हेल्थ एजुकेशन एंड फन अप में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 की और उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी के बारे में। पर उससे सबसे पहले एक अपील, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे वो कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, एक ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिलीज हुई है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने रिलीज किया है। यानी इस पॉलिसी के रिलीज होते ही भारत में यानी कि इंडिया में एक वाइड स्प्रेड कॉन्ट्रोवर्सी छिड़ गई है। इसका विरोध हो रहा है काफी राज्यों में, खासतौर से उन राज्यों में जहाँ पे हिंदी प्रमुख लैंग्वेज नहीं है, प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है। इसके अलावा वहाँ हिंदी के अलावा वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है। उन लोगों का कहना है कि इस लैंग्वेज की इस पॉलिसी के आने के बाद गवर्नमेंट एक एजेंडा के तहत बढ़ रही है। गवर्नमेंट चाहती है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि हिंदी जो है उनकी लैंग्वेज के ऊपर हावी हो जाए। चलिए हम बाकी बात करते हैं, इस पॉलिसी में ऐसा क्या है, इस पॉलिसी को किसने बनाया, इस कमेटी में कौन कौन मेंबर्स थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पॉलिसी है यानी कि अभी एक ड्राफ्ट रूप में ही है, ये कोई अप्रूव्ड पॉलिसी नहीं है। ड्राफ्ट पॉलिसी वो होती है जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि सक्षम अधिकारियों को या सक्षम लोगों के समक्ष प्रस्तुत होती है। जब सक्षम लोग इसको अप्रूव कर देते हैं उसी के बाद ये अप्रूव्ड पॉलिसी बनेगी। तो ये ड्राफ्ट पॉलिसी जो है के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में बनी है। इस पॉलिसी में कमेटी में कुल 9 मेंबर्स थे और के कस्तूरी रंजन के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये पूर्व इसरो चेयरमैन रहे हैं। इसके अलावा ये वर्तमान में चांसलर है एक राजस्थान की यूनिवर्सिटी के, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। चलिए, अब इस पॉलिसी का इतना विरोध क्यों हो रहा है, तो मैं आप बता दूं, इस पॉलिसी के तहत के कस्तूरी रंजन और उनकी कमेटी ने 2 पॉइंट्स दिए हैं या 2 क्लॉज दिए हैं। एक क्लॉज दिया है हिंदी स्पीकिंग स्टेट के लिए और एक क्लॉज दिया है नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट के लिए। तो जो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती या जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं या वहाँ के लोग हैं वो इसका काफ़ी विरोध कर रहे हैं। उनको लगता है कि इसके तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि मोदी की जो गवर्नमेंट है वो अपने एजेंडे की तरफ बढ़ रही है और उनका एजेंडा, उनको लगता है कि एजेंडा है कि मोदी गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी लैंग्वेज के ऊपर हिंदी हावी हो जाए। पर गवर्नमेंट ऐसा नहीं कह रही। गवर्नमेंट का वर्जन क्या है, गवर्नमेंट कह दिया कि हम इसके तहत यानी कि इस पॉलिसी के तहत हम चाहते हैं कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर बने जहाँ पे मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेटिव एबिलिटीज़ बढ़े, यानी कि भारत के विभिन्न प्रांतों के लोग आपस में एक माध्यम से बात कर सके, उनके विचार एक्सचेंज हो सके और एक एरिया के लोग को जब वो दूसरे एरिया में जाए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिर ये 2 पॉइंट क्या है। सबसे पहले मैं बात करूं तो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए इस कमेटी ने क्या कहा। ठीक है, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट के लिए इस कमेटी ने कहा है या रिकमेंड किया है कि वहां पर 3 भाषाएं पढ़ाई जाए, यानी जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको 3 भाषाएं पढ़ाई जाए। पहली तो हिंदी, दूसरी इंग्लिश और तीसरी वहां की रीजनल लैंग्वेज। चलिए अगर मैं बात करूं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में हिंदी भी पढ़ाई जाए, इंग्लिश पढ़ाई जाए और साथ ही तमिल पढ़ाई जाएगी। अगर मैं बात करूँ केरल की, तो वहाँ हिंदी, इंग्लिश और मलयालम पढ़ाई जा सकती है। यदि पंजाब की बात करें तो वहाँ हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी पढ़ाई जा सकती है। तो यही एक है जो कंट्रोवर्सी का जनक है, क्योंकि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी जो कि इन रीजनल स्टेट्स में हैं उनका कहना है कि इसके तहत गवर्नमेंट चाहती है कि हिंदी जो उन लोगों के ऊपर आ जाए या इम्पोज हो जाए, और गवर्नमेंट नहीं चाह रही है कि उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो प्रमोट हो, फले फूले। गवर्नमेंट चाह रही है कि इन सब के ऊपर हिंदी इम्पोज कर दी जाए। इसी का विरोध हो रहा है। कई पॉलिटिकल पार्टी कह रही है हम सड़कों पर आकर विरोध करेंगे, कोई कह रही है हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और इस जो पॉइंट है इसको रिजर्व करेंगे। कई पॉलिटिकल पार्टी का यह भी कहना है कि अगर आप हिंदी ही चाहते हैं कि हर राज्य में पढ़ाई जाए तो आप तमिल को क्यों नहीं चाहते, आप तेलुगु को क्यों नहीं चाहते, आप मलयालम को या पंजाबी को क्यों नहीं चाहते, आप क्यों चाहते हैं कि हमारे बच्चे हिंदी पढ़ें, आप क्यों नहीं चाहते कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट के बच्चे तमिल या तेलुगु पढ़ें। तो यही जो विरोध है, इसी विरोध के कारण गवर्नमेंट बैकफुट पे है और गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि ये कोई फाइनल पॉलिसी नहीं है, अभी फाइनल पॉलिसी आनी है, तब तक के लिए गवर्नमेंट ने सबसे अपील की है कि शांत रहे, कंपोज रहें और जब भी वो नई पॉलिसी आएगी वो सबको ध्यान में रखते हुए आएगी। अगर हम हिंदी स्पीकिंग स्टेट की बात करें तो ये कमेटी कहती है हिंदी स्पीकिंग स्टेट के लिए कि वहाँ पे 3 भाषाएं पढ़ाई जाए, हिंदी, इंग्लिश और वन ऑफ द मॉडर्न लैंग्वेज। अगर ये मॉडर्न लैंग्वेज क्या है, तो अगर हम भारत के 8th शेड्यूल की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8th शेड्यूल है तो उसमें कुछ भाषाओं को मॉडर्न लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, चाहे वो
वो भाषा ऑफिशियल भी हो सकती है, नॉन ऑफिशियल भी हो सकती है। तो यहाँ कमेटी कहती है या तो हिंदी, हिंदी इंग्लिश और उसके साथ साथ एक मॉडर्न लैंग्वेज। तो मॉडर्न लैंग्वेज तो कई सारी हैं, जैसे कि एसमीज, बंगाली, भूटिया, गुजराती, कश्मीरी, कन्नड़, लापचा, लिम्बो, मैथिली, मलयालम, मेनपुरी, मराठी, मिजो, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अब आप पूरी की पूरी पॉलिसी में देखिए, हिंदी तो हर जगह पढ़ाई जाएगी, पर तमिल, तेलुगु, उर्दू इत्यादि जो भी ऐसी भाषाएं हैं वो विशेष एरियों में पढ़ाई जाएंगी, वो खाली उनके रीजनल स्टेट में पढ़ाई जाएंगी, या फिर किसी भी स्टूडेंट पे जो कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट में रह रहा है उसके पास चॉइस होगी, वो कोई भी भाषा चुन सकता है। तो यही जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रोवर्सी का जनक है। लोग कह रहे हैं कि आप चाहते हो कि हिंदी हर जगह पढ़ाई जाए, पर आप ये नहीं चाहते कि तमिल, तेलुगु या संस्कृत या पंजाबी हर जगह पढ़ाई जाए। तो इसी का विरोध काफ़ी वाइड स्प्रेड वो चल रहा है, और इसी के कारण जो गवर्नमेंट है बैकफुट पे है। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम ऐसा, हमारा बिल्कुल भी ऐसा मकसद नहीं है कि हम नहीं चाहते कि हिंदी ऐसे इम्पोज हो। और गवर्नमेंट ने कहा है हम वी आर रीथिंकिंग ऑन ऑन द नेशनल पॉलिसीज, और जो ड्राफ्ट ही है ये अप्रूव्ड पॉलिसी नहीं है, जो अप्रूव्ड पॉलिसी होगी वो सब के आइडियाज और कमेंट्स और व्यू को कंसिडर करने के बाद ही बनाई जाएगी। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जब भी ये कभी नेशनल पॉलिसी, जो फाइनल नेशनल पॉलिसी रिलीज होगी, हम आपको पक्का उसके बारे में उसके एनालिसिस करके बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, सलाम, नमस्ते।